यूक्रेन के कामिकेज ड्रोन्स ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन ने क्राइमिया में स्वास्तोपोल बंदरगाह पर कामिकेज समुद्री ड्रोन से रूस के ब्लैक सी सैन्य अड्डे पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले में रूस का डॉक शिपयार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसके अलावा क्राइमिया ब्रिज के पास यूक्रेन के समुद्री ड्रोन्स ने एक रूसी ऑयल टैंकर को उड़ा दिया था और यूक्रेन के इन ड्रोन्स हमलों का तोड़ निकालने के लिए रूसी फौज लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रही थी। और इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन के कामिकेज ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस ने कई जमीनी और समुद्री ड्रोन्स बना लिए हैं और अब रूसी सेना ने एक ऐसा ही जमीनी ड्रोन या यूं कहें बख्तरबंद टैंक बनाया है जिसके आगे यूक्रेन के ड्रोन्स शायद ही टिक पाए, क्योंकि ये ड्रोन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलता है। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन में रूस के सैनिक नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हथियार मोर्चा संभालेंगे, या यूं कहें कि आने वाले समय में रूस की तरफ से रोबोट युद्ध में लड़ने जाएंगे। दरअसल रूस की डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी रोस्टेक ने पैदल सेना से लड़ने वाले इस बख्तरबंद टैंक को बनाया है और रूसी सेना जल्द ही इसे यूक्रेन में तैनात कर सकती है। और इसमें हाई एक्यूरेसी सिस्टम लगा हुआ है जिसे एक कंट्रोल स्टेशन या कंप्यूटर टैबलेट से नियंत्रित किया जा सकता है और इसका नाम BMP-3 इन्फेंट्री व्हीकल रखा गया है। इसे बनाने वाली कंपनी रोस्टेक के CEO सर्गेई शेमोजोव का कहना है कि इस ऑटोमेटिक हथियार में 2S-25M सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक गन्स भी लगाई जा सकती हैं। वहीं रूसी सेना के रिटायर्ड कर्नल और दिग्गज सैन्य एक्सपर्ट विक्टर लितवोकिन ने रूस की न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को बताया कि BMP-3 एक पैदल सेना से लड़ने वाला वाहन है, न कि किसी तरह का जमीनी ड्रोन। इसकी रिमोट कंट्रोल से लड़ने वाली खासियत को आर्मी परेड एक्सपो में पहले ही दिखाया जा चुका है। विक्टर का कहना है कि ड्रोन की तुलना में BMP-3 एक महंगा हार्डवेयर है और इसमें 2S-25M एंटी टैंक बंदूकों को लगाए जाने की अटकलों के बीच विक्टर का कहना है कि ऐसे हथियार अपेक्षाकृत बोझिल हैं और सटीकता के साथ हमला करने के लिए इसमें एक मानव गनर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इसमें एक एंटी टैंक गन फिट किए जाने की खबरों में ज्यादा दम नहीं है। वहीं रूस के सैन्य मामलों के पत्रकार और लिटररी रशिया के उप संपादक एलेक्सी बेर्जेंको का कहना है कि अब सब कुछ रिमोट युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सैनिक सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि वो वीडियो गेम की तरह कंप्यूटर के पीछे बैठकर जंग लड़ेंगे।